अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के सारे कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी आपने कमेंट किया उसका आंसर देखेंगे। और देखिए एक बात और, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है जहां से आप लोग डीएलएड 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो उस लिंक को रोज आप लगातार चेक करते रहिए, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डीएलएड बीटीसी 2023 और इस बार दोस्त यहाँ पर 2024 लिखा रहेगा। ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन की प्रक्रिया के संबंध में एक नोटिस को जारी किया जाएगा। ये दोस्तों नोटिस पिछले साल 26 मई 2023 को आई थी, 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था। इस बार थोड़ी सी देरी हो रही है, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखिए बच्चों का सवाल, सर यूपी में रहता हूँ, स्टार्टिंग से मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है यूपी का, मैंने हाई स्कूल 12वीं यूपी से किया है, बट निवास प्रमाण पत्र नहीं है, क्या एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए नहीं है तो आप बनवा लीजिए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी बनवाने में, ठीक है ना। तो अगर आपका घर है यूपी में तो आराम से निवास बन जाएगा, तो वो बनवा लीजिए। देखिए इससे फायदा भी है नुकसान भी है। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर हम बिहार से हैं और हमें यूपी में एडमिशन लेना है। एक बात याद रखिए, अभी तो आजकल बिहार में ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, TRE 1 आई बिहार में, ठीक है, TRE 2 आई। देखिए TRE का मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है, TRE 3 आई, TRE 4 का भी वेट हो रहा है। तो अभी तो यूपी में एक 80,000 पदों की वैकेंसी की उम्मीद या आस जगी है और बिहार में तो हमने ताबड़तोड़ वैकेंसी देखी। अगर कोई बच्चा बिहार से यूपी आके एडमिशन ले लेता, मान लेते आप बिहार के और यूपी में आपने एडमिशन ले लिया, आपने किसी तरह यहाँ का निवास बनवा भी लिया, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई वैकेंसी बिहार में आएगी ना, तो उस समय जो भी बच्चा बिहार का यूपी से मतलब डीएलएड किया, तो वो उस समय बिहार में अदर स्टेट का काउंट हो जाएगा, तब आपको बिहार में उसका आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सर मैं बिहार से हूँ, क्या यूपी डीएलएड कर सकती हूँ? वही बात देखिए मैं आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग अपने बिहार में डीएलएड पर फोकस करिए, ठीक है। अगर आप यूपी से डीएलएड करते हैं तो फिर आपके पास यूपी का निवास और जो भी डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। सर मेरे हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में 60 है, बीएससी में 74 है, क्या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? 200% आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। सर डीएलएड में एडमिशन कब होगा? हम लोग से एक सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। देखिए पहले आप लोग इंतजार करिए, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, या तो उनका पेपर नहीं हुआ या तो उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो भैया ये भगवान से बनाइए कि जितना लेट हो जाएगा उतना ही बढ़िया है। जल्दी आ गया फॉर्म हम करें, आज से आवेदन शुरू हो जाए तो आप आवेदन से बाहर होंगे, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए आपको, रिजल्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, सर प्राइवेट में 25,000 में हो रहा है। देखिए अब सभी बच्चे अलग अलग जगह पता कर रहे होंगे, तो आप लोग भैया पता कर लीजिएगा, कहीं 25,000 कहीं पर जो भी आपकी डील हो जाए एडमिशन ले सकते हैं। सर मेरा हाई स्कूल में 79, 12वीं में 78 और ग्रेजुएशन में 58, तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? देखिए आपके हाई स्कूल और इंटर में तो अच्छे थे, ये ग्रेजुएशन में भी आप 80 के पास होते तो चांस काफी ज्यादा बनता, बस यही आपका खराब कर रहे हैं। सर एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म आ गया है क्या 2024 का? जब सर आ जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, हम आपके ही बताने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सर मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं होगा, हम आपको आपका फॉर्म भी स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे, ठीक है। वहाँ पर सीरियल नंबर ये सब बहुत सी चीज़ें मांगी जाती हैं जो आप लोग गलती करते हैं, ठीक है, कुछ भी गलती आपसे नहीं होगा। सर डीएलएड 2022 बैच शामिल नहीं होगा क्या? अब ये वो बच्चे हैं ना, ठीक है, जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, यूपी में 80,000 पदों पर प्राथमिक लेवल में 1-5 में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। देखिए बड़ी बात पता क्या होती है, जैसे शिक्षक भर्ती आती है 1-5 में, ठीक है, यहाँ पर बीएड के छात्र पहले क्या है बाहर हो गए, ठीक है, तो होता क्या है ना, जो वैकेंसी आती है तो बच्चे काफी दिन से वेट करते हैं कि वैकेंसी आए हम सम्मिलित हो, ये सब बातें होती है, ठीक है। देखिए कुछ और बातें, जिनकी 4th सेमेस्टर में बैक आई है उनका क्या होगा? अगर वैकेंसी आती है तो जुलाई में प्लीज सर ये लोग 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम करा ले, प्लीज सर आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। वही दोस्तों बात करें, ये बच्चे वो जो डीएलएड कर रहे हैं तो बैक वाली बात हो रही है। हेलो सर, ठीक है, हेलो हेलो सर, मेरा भी अभी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं बीटीसी में एडमिशन ले सकती हूँ? वही बात देखिए फंस रही है, रिजल्ट जरूरी है, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ये एक लंबा प्रोसीजर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, कुछ भी आपसे छूटे करें। स्टेट रैंक जब आपकी जारी होगी, देखिए
जब आप लोग अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, सभी बच्चे जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन, जहां पर आपसे पहली कड़ी में ये पूछा जाएगा ग्रेजुएशन में आपके 50% है कि नहीं, जनरल कैटेगरी में। अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो 45%, इससे कम है तो आप एडमिशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट वन, आप मान लेते आपका ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज थे और आपने फॉर्म भर दिया, फिर आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। 700 रुपये हो सकती है, 500 रुपये हो सकती है, 200 या 300, अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। ठीक है, SC ST की अलग रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप की अलग रहेगी, जनरल और OBC की अलग रहेगी। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट टू दोस्तों जब आएगा, इसमें आपको वही हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स भरनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो आप प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, तो जब आपका एडमिशन होता है तो यही आप इसकी PDF आप लेकर जाते हैं, वहीं पर कॉलेज वाले आपके नंबर मिलाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते आपके हाई स्कूल में 600 नंबर का हाई स्कूल का पेपर हुआ, 490 नंबर आ रहे हैं, आपने गलती से 491 कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि अगर आपने नंबर ज्यादा किया, इसका मतलब आप मेरिट को प्रभावित करना चाहते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है यूपी में, आप जानते हैं, एडमिशन का प्रोसेस यूपी में मेरिट के आधार पर। जब आपने मेरिट ही गलत डाली, तो मतलब आप मेरिट को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए यूपी में ये गलती सबसे बड़ी गलती में से एक मानी जाती है। फिर आपको अपनी स्टेट रैंक जाननी पड़ती है कि आपकी स्टेट रैंक क्या है। चॉइस स्टेप जनरेट OTP, ये OTP को जनरेट करने के 5,000 रुपये लग जाते हैं भैया, 5,000 रुपये। ठीक है, पहले स्टेट रैंक आप देख लेंगे कि आपके काउंसलिंग का कौन सा शेड्यूल आपको मिल रहा है, किस डेट में आप काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग ऑप्शन फिल करेंगे। देखिए, आपके पास अनलिमिटेड जितना भी मन करे कॉलेज का नाम दे दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहते हैं, तो गलती से भी आपको प्राइवेट का विकल्प नहीं देना है। मान लीजिए आपके 230 नंबर बनने, आपने भैया प्राइवेट का भी नाम दिया, वो तो पहली बार में आपको प्राइवेट मिल जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना चॉइस को लॉक करना पड़ेगा अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, चॉइस लॉकिंग में जैसे मान लीजिए आपके मन का कॉलेज मिल जाएगा, तो 5,000 की पेमेंट आप और कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल आपने कितने की पेमेंट कर दी, 10,000 रुपये की। ठीक है, ये 10,000 की पेमेंट करके आप अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड कर लेंगे, यही रिजल्ट लेकर जिस भी कॉलेज का अलॉटमेंट रिजल्ट आपने डाउनलोड किया, वहाँ एडमिशन के समय पहुंचेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में जमा भी करा लिया जाता है, एक बढ़िया से आप प्यारी सी फाइल खरीद लेंगे, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्टेट रैंक देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा, देखिए लिखा ना, अभ्यर्थियों को प्रतिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ पर दी गई थी, लास्ट ईयर की बात है। ठीक है ना, तो लगभग 15 दिन आपका, कम से कम 15 डेज आपका ये ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगा। ठीक है, जब आप लोग दोस्तों किसी भी कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने, तो वहाँ पर एक चेक लिस्ट पहले से बनकर तैयार रहेगी, जहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट, ये सब चीज़ें ठीक है वहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कोई भी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से विषय आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत के उर्दू और कंप्यूटर। संस्कृत उर्दू में से आप कोई एक विषय ही लेंगे, दोनों नहीं ले सकते। ठीक है ना, बहुत से बच्चे डरते होंगे यार उर्दू तुमको आती नहीं है, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होगा और आपकी स्टेट रैंक कुछ ऐसी ही शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें 300 में से 300 नंबर पाने वाले बच्चे भी आपके सामने दिख सकते हैं। भैया ये DLED है, इतना आसान मत समझिएगा इसको। ठीक है, एक से एक टॉपर बच्चे रहते हैं। देखिए, जिन बच्चों के 182 नंबर के आसपास हैं, उनकी रैंक 2,50,000 तक चली जाती है। ठीक है, 2,50,000 मतलब आपके हाई स्कूल में 60%, 12वीं में 60%, ग्रेजुएशन में भी 60%, मतलब आप तीनों जगह फर्स्ट डिवीजन है, 180 नंबर पा रहे हैं, तो भी DLED में आपकी रैंक 2,50,000 तक चली जाएगी। सोचिए क्या क्रेज है, मतलब पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद रखिएगा शैक्षिक अर्हता में सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आरक्षित वर्ग में 5% की छूट। आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल और कुछ जगह 5 साल की और छूट। निवास ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216 8738079216, इस पर मैसेज करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।